बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए अफ़गानी पुलाव की रेसिपी लाई हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलिए पहले अज़ान नोट कर लेते हैं। अफ़गानी पुलाव के 1.5 किलो मटन का गोश्त है, ये आप बीफ भी ले सकते हैं। अच्छा, 1 पाव कुकिंग ऑयल, 1.5 किलो राइस हैं, ये मैंने बिरयानी राइस लिया लेकिन आप लोग सेला राइस ले सकते हैं। 1 डली बड़ी सी प्याज लेके काट के चॉप करके रख ली है मैंने। अच्छा, जो पीसने वाला मसाला है उसमें लहसुन, अदरक, थोड़ी जायफल जोतरी, 8 से 9 दाने काली मिर्ची लौंग के हैं और कुछ काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये आपने पीसना है, ये गरम मसाला सारा पीसना है इसको हटा के। अच्छा, जो यखनी में डलेगा साबित मसाला वो 2 बादियान के फूल, थोड़ी जोतरी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, कुछ लौंगे, थोड़ी काली मिर्चें, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। ओके, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और दही, ये आप ज़रूर नोट करें, दही और ये क्यूब्स, दही और क्यूब ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये दही और क्यूब्स ज़रूर डालती हूँ ताकि अफ़गानी पुलाव में और ज़्यादा जायका आता है। और जो फ्राई के लिए ऊपर से गार्निश के लिए जो अफ़गानी पुलाव में डलेगा वो काजू है, ये 60 ग्राम काजू लिए मैंने, 100 ग्राम किशमिश है और 2 गाजरें लेके इसको जूनियन कटिंग में मैंने काट ली हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अफ़गानी पुलाव। देखें पीसने वाले मसालों में अदरक, ये लहसुन, ये गरम मसाला, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। मसाला पीसा था हमने, लहसुन, अदरक, गरम मसाला निकाल रहे हैं। इसमें लालमारी रेम तो शुरू करते हैं। पहले हम जो फ्राई वाले जो सामान है, काजू, किशमिश और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ये जो फ्राई वाले है मसाला सामान है जो ऊपर गार्निश के लिए डलेगा, किशमिश डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, किशमिश जो है ये फूल गई है, तो अब हम इसको निकाल देते हैं। किशमिश निकाली, अब इसमें हम काजू डालेंगे। आप किशमिश कोई सी भी ले सकते हैं लेकिन छोटी किशमिश होनी चाहिए, एक तो बड़ा होता है मुनक्का होनी किशमिश। तब इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, सिर्फ इतना ही फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे फ्राई। हम इसको निकालते हैं। देखिए अब इसी ऑयल में, ये मैंने फ्राई के लिए ऑयल में घी लिया है, इसी घी में हमने ये सारी गाजरें डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसको गलने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन फ्रेंड इससे टेस्ट पे आके हल्की सी सॉफ्ट हो गई गाजरें, तो हम थोड़ा सा जल्दी गर्म डालेंगे और तो हमने थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, बस 2 स्पून चीनी, इसको हमने मिक्स कर लेना है। अगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको काट लेंगे। देखें फ्रेंड, अब हमने बस इतना पानी इसका खुश्क करना है। अब इसमें अच्छे से शुगर जो है वो मिक्स हो गई है और गद्दे का रंग भी मिक्स हो गया, इसका कलर कितना शानदार आ गया है। तो
तो चलिए अब इसको निकालते हैं और सब मिक्स करते हैं। अभी फ्राई कर दिया मैंने काजू किशमिश और गाजरें। अब जब हमारी अफगानी पुलाव रेडी हो जाएगा तो उस पर हम ये गार्निश करना है। तो चलें अफगानी पुलाव स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाला। ऑयल मैंने एक पाव इसलिए डाला है कि जो गोश्त में है ना उसमें भी चिकनाई होती है तो उसकी भी चिकनाई निकलेगी इसमें से, तो इसलिए एक पाव ऑयल डाला है। अब इसमें हमने डालना है गरम मसाले जो थे हमने वो डाल देना है और साथ ही प्याज भी डालना है। प्याज को ब्राउन करने के बाद गोश्त डालना है इसमें। प्याज को इतनी ब्राउन करना है ताकि इसके अंदर जो कलर आ जाए ना वो ब्राउन बहुत अच्छा लगता है। अच्छी सी भुनाई करना है ताकि गोश्त में जो मसाले का खुशबू अच्छे से बच जाए। अब इसको हमने भुनाई करना है अच्छे से। देखें अच्छी सी भुनाई करना है ताकि इसका जो पानी है ना ये इसी में अच्छे से खुश्क हो जाए और भुनाई अच्छे से हो जाए। ये इसमें सॉल्ट डालें। इसमें इतना पानी डालना है कि इसी में गोश्त भी गल जाए और फिर इसमें से यखनी भी निकालना हमें सूप के लिए ना, तो वो अफगानी पुलाव के साथ यखनी भी बनानी है तो इसी में से हमने गोश्त भी गलाना है और इसी में से हमने यखनी भी निकालनी है सूप पीने के लिए। तो अब इसको हम ढक के रखते हैं, अब इंतज़ार करते हैं गोश्त गलने का। देखें फ्रेंड अभी ये गोश्त गल गया है तो अभी मैंने इसके बूटियां सारी निकाल देना है। तो देखें अभी गोश्त मैंने इसका निकाल दिया सारा और इसमें से थोड़ा हमने इसका सूप निकालना है यखनी का, जो हम चावल। देखें अब इसमें हमने चावल जो भिगोए थे 15 मिनट खाली अभी इसमें हमने चावल डाल दिया। इसको कवर कर देंगे चावल गलने के इंतज़ार करें। देखिए फ्रेंड अब इसको हमने ग्रिल होने के लिए रखना है रोटियों को सारे। अब इसको ओवन में रखना है ग्रिल होने। देखिए फ्रेंड अभी मैं इसको ग्रिल होने के लिए फ्रेंड्स हमारा माइक्रोवेव ओवन विद ग्रिल है। बास ओवन में ग्रिल नहीं होती है तो आप लोग अपने चूल्हे के जो ओवन है उसमें आप ग्रिल कर सकते हैं। तो लिहाजा अभी मैं स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट
ये ग्रिल और स्टार्ट करते हैं। ये 90 मिनट तक मैं रखा है, 90 मिनट में ये अच्छे सा मटन जो है ग्रिल हो जाएगा। तो देखें अब चावल दम पे आ गए, बस इसको दम करने के बाद हम इसको फिर गार्निश करके दिखाएंगे आपको। सब दम हो गए, बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखें फ्रेंड्स, अब ये मेरा अफगानी पुलाव तैयार है। मैंने मटन अफगानी पुलाव बनाया, आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं। अच्छा, मटन गलने के दौरान जो हम सूप यखनी बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा पानी इसलिए डालते हैं और क्यूब्स के, ताकि वो हमें सूप मिल जाए उसका, तो उसी में से हमने सूप भी निकालना है और उसी पानी में जो हमने चावल भी गलाना है। तो देखें आप बनाएं और ये सलाद है, चटनी के साथ इंजॉय करें आप लोग, और मुझे दुआओं में याद रखें और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।